हाँ भाई, सेकंड ईयर। हम लोग बात कर रहे थे कल मधुमक्खी के बारे में, है ना? मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। जब हम क्लास बात करें मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो रानी मक्खी होती है, ठीक है, रानी मक्खी से मतलब है रानी मधुमक्खी से है, ठीक है। ये रानी मधुमक्खी व ड्रोन, ये दोनों ही जाते हैं और कामद उड़ान भरते हैं। क्या भरते हैं? कामद उड़ान। कामद उड़ान मतलब ये एक ऐसी उड़ान है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्युअल फ्लाइट, ठीक है, जिसमें होती है मैथुन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इस कामन उड़ान में ये जो आपकी रानी मक्खी और ड्रोन होते हैं, ठीक है, इसके बाद पॉपुलेशन की प्रोसेस होती है इसमें। पॉपुलेशन के बाद ड्रोन जो है उसकी तो मृत्यु हो जाती है। कल ही बताया था, क्या बताया था, कि इसकी तो मृत्यु हो जाती है ड्रोन की। लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है ये आती है अपने कहाँ पर? हाइव में। हाइव मतलब छत्ते में, ठीक है, छत्ते में लौट कर आती है, या फिर क्या काम करती है, अपना एक नई कॉलोनी का निर्माण करती है। उसके लिए जरूरी होता है कि इसके पास वर्कर थोड़े ज्यादा हों। तो सबसे पहले रानी मधुमक्खी जो है कहाँ आएगी? छत्ते में आती है, और छत्ते में आने के बाद ये यहाँ पर ये जो ब्रूड चैम्बर होते हैं, ब्रूड चैम्बर में क्या देती है? अंडे देती है ये, ठीक है, अंडे देना प्रारंभ करती है, और ये एक बार में बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है। जिन अंडों में से, पहली बात कल भी बताया था कि रानी मधुमक्खी में ये स्पेशलिटी होती है कि ये चाहे तो निषेचित अंडे दे या फिर ये अनिषेचित अंडे, दोनों प्रकार के, किसी प्रकार के अंडे दे सकती है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसकी बॉडी में एक अजीब सी एक क्षमता होती है, ठीक है, जिस पे ये इजीली डिफरेंशिएट कर सकती है। आप लोगों को कल भी बताया था कि रानी, ड्रोन और श्रमिक, ये तीनों जो होते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है? अगर हम बात, हाँ, निषेचित अंडों से बनती है, और जो श्रमिक होते हैं वो भी आपके आपके स्टराइल फीमेल्स होती हैं, मतलब बंधे मादाएं होती हैं वो भी, है ना। और उनका निर्माण भी किससे होता है? आपका निषेचित अंडों से होता है, लेकिन ड्रोन का निर्माण आपका अनिषेचित अंडों से हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग प्रकार के ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडों का भी बंटवारा किया गया है, तो वो कौन करता है? रानी मधुमक्खी अपने अकॉर्डिंग कर लेती है, ठीक है। तो ब्रूड चैम्बर में उसने अंडे दिए हैं, अंडे देने के बाद इनमें क्या होती है? स्वार्मिंग की प्रोसेस होगी। क्या होती है? स्वार्मिंग की प्रोसेस। स्वार्मिंग की प्रक्रिया से मतलब है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अगर हम बात करें मुर्गी के अंडे के बारे में, ठीक है, तो मुर्गी एक बार में एक अंडा देती है, ठीक है, तो उस एक अंडे में से हैचिंग, स्फुटन की प्रक्रिया होगी तो चूजा निकलता है, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक अंडे की, ठीक है। तो इस हम प्रक्रिया को बोलते हैं हैचिंग स्फुटन, ठीक है। लेकिन सपोज करो यहाँ पर रानी मधुमक्खी ने एक साथ हजारों की संख्या में अंडे दिए हैं, ठीक है। अब हजारों की संख्या में जब अंडे दिए हैं तो उन सभी में स्फुटन की प्रोसेस होगी, उसमें से लार्वा निकलेंगे ना। तो जब हजारों की संख्या में एक साथ लार्वा निकलते हैं, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्वार्मिंग, ठीक है। एक साथ अंडे में से लार्वा का निकलना भी स्वार्मिंग कहलाया जाता है, और एक साथ रानी मक्खी, ड्रोन और बहुत सारे वर्कर्स का निकलना भी छत्ते में से स्वार्मिंग ही कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ही टर्म एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही शब्द जो है इसका मतलब एक ही है, स्वार्मिंग से है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? स्वार्मिंग की वो ही प्रक्रिया, ठीक है, मतलब अंडे में से अब लार्वा निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्वा निकल रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा परिवर्धन हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? एग्जैक्टली, कि इसमें फिर ये कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो गया, बताया था ना, ठीक है। तो इसमें अब
कहाँ गया ये, अंडे में से अब क्या निकलेंगे, लार्वा निकलते हैं, ठीक है। ये लार्वा जो है ये बाद में और परिवर्तित होते हैं, मतलब ये बाद में परिवर्तित होने के बाद में क्या बनाते हैं आपके, प्यूपा बनाएंगे, और प्यूपा के बाद एडल्ट वयस्क का आप जो चाहे वो कहें, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ, ठीक है। एडल्ट बनता है, एडल्ट ये कोई भी हो सकती है, रानी है, श्रमिक है, या फिर ड्रोन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कौन करता है। देखिए यहाँ पे श्रमिक और रानी दोनों ही अनिषेचित हैं, आई मीन टू से निषेचित अंडों से विकसित हुए हैं ये तो, ठीक है, लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ, एग्जैक्टली कि ये जो एडल्ट में ये जो अंडे हैं, तो जो रानी मक्खी के लिए जो पहले सेलेक्ट किए जाते हैं कि भविष्य में ये रानी बनेंगे, ठीक है, तो उनको हमेशा क्या दी जाती है, रॉयल जेली दी जाती है, ठीक है। रॉयल जेली हालांकि कुछ टाइम तक ड्रोन को भी दी जाती है, लेकिन ड्रोन को बहुत कम समय के लिए दी जाती है, 2 से 3-4 दिन के लिए, उसके ऊपर ड्रोन को नहीं देते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसके शहद में पराकर मिलाकर उसको देते रहते हैं ड्रोन को, लेकिन आपके जो रानी मक्खी के जो लार्वा प्यूपा होते हैं उनको पूरी जिंदगी ही रॉयल जेली मिलती है, ठीक है, और जबकि श्रमिक को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके कार्य के विभाजन के आधार पर, बल्कि उनके वैसे भी स्ट्रेन के प्रभेद के आधार पर भी उनका पोषण का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। अब समझ में आया जीवन चक्र, समझ में आया, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए क्लास, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चलो संप्रेषण से पहले आप कार्य विभाजन समझें, कार्य विभाजन जब हम बात करें क्लास कार्य विभाजन के बारे में, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा काम किसका होता है, वर्कर्स का होता है, श्रमिक का हुआ करता है, ठीक है। तो अंडे में से जब तक कि श्रमिक 3 दिन के होते हैं, ठीक है, तब तक 3 दिन के होने तक तो सिर्फ उनसे इतना काम नहीं करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 3 दिन से 5 दिन के हो जाते हैं तब उनसे हाइव की सफाई करवाई जाती है, छत्ते की सफाई का काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो 10 दिन के होते हैं, ठीक है, तो 10 दिन के होने पर उन्हें दिया जाता है फिर लार्वा की देखभाल करने का काम, ठीक है। उसके बाद जब वो थोड़े से और बड़े होते हैं तब उन्हें देते हैं वो लोग हाइव की सुरक्षा का काम, ठीक। उसके बाद में जब ये अप्रोक्स हो चुके होते हैं आपके 15 से, मतलब आई मीन टू से 18 से 20 दिन के, ठीक है, उस वक्त उनको दिया जाता है भोजन को, भोजन सर्च करने का काम, मतलब भोजन ढूंढने का काम, ढूंढने लाने, पानी की व्यवस्था, आदि का काम, ठीक है। और ये काम जो है ना, भोजन ढूंढने का, भोजन लेकर आने का, मतलब नेक्टर, पॉलन ग्रेन, ये सब चीजों का काम जो है ना, ये पूरे जीवन भर चलते रहता है। जब तक कि कोई एक श्रमिक जो है उसकी डेथ नहीं हो जाएगी, तब तक वो फिर यही काम करेगा, मतलब अपने भोजन को ढूंढेगा, अपने साथियों को बताएगा, लेकर आएगा भोजन, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि उन्हें एक बार भोजन ढूंढ के लाने में कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक उड़ान भरनी पड़ती है। हाँ क्या, हाँ वो तो नहीं, उसको नहीं बोलते हैं
अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप 1 से 1.5 किलोमीटर तक का जो दायरा है, ठीक है, ये कम से कम माना गया कि उन्हें अगर आस पास उनको नहीं मिलेगा ना फूड तो उनको और भी आगे तक जाना पड़ता है, तो उनपे काम का बर्डन इतना ज्यादा होता है कि इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाया करती है, ठीक है। अब सपोज कीजिएगा कि इन्हें खाना मिल गया 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब ये किस तरीके से अपने साथियों को बताएंगे कि मतलब हमें भोजन मिल चुका है, अब जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। संप्रेषण, जब हम बात करें क्लास कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, तो मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन जो है वो 2 विधि के माध्यम से होता है। कितनी विधि के माध्यम से होता है? 2 विधि के माध्यम से। पहला है घूमर नृत्य, ठीक है, मतलब राउंडेड डांस। और दूसरा होता है पुच्छ दोलन विधि, ठीक है। जब हम बात करें पुच्छ दोलन विधि या फिर घूमर डांस, ठीक है, ये दोनों क्या है? इसकी संप्रेषण विधियां हैं जिसके माध्यम से कोई मधुमक्खी अपने दूसरे साथियों को भोजन के बारे में बताती है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे आपके घूमर नृत्य के बारे में। सबसे पहले अगर उन्हें खाना, मधुमक्खी का जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, तो ये ढूंढ कर खाना ढूंढ के लाते हैं श्रमिक, उन्हें अगर खाना बहुत ज्यादा दूरी पर ना मिलते हुए बहुत नजदीक मिल जाता है, तब उस वक्त वो करते हैं घूमर नृत्य डांस, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ढूंढने के बाद आते हैं अपने छत्ते में, ठीक है। छत्ते में आने के बाद ये छत्ते में कक्ष में ऊपर नीचे इस तरह से चलते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, और वहां पर मौजूद जितनी मधुमक्खियां होती हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे ही सभी मधुमक्खियों का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है, उसके बाद ये मधुमक्खी जो है जो अपना खाना जिसने ढूंढ लिया है अपना भोजन के लिए, ठीक है, वो पहले अपने दाईं ओर चक्कर लगाती है, ठीक, और फिर वहां से तुरंत ही मुड़ जाती है और बाईं ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। एक बार फिर समझिएगा, सबसे पहले तो वो अपने शरीर के दाईं ओर चक्कर लगाती है और एक बार घूमने के बाद पूरा नहीं घूमती है, ठीक है, उसके बाद फिर अपने शरीर को बाईं ओर घुमा देती है। तो इस प्रकार से ये कुछ 8 के लेटर में ये नृत्य करती है इस तरह से। लेकिन ये जब ये घूमन नृत्य करती है उस दौरान अपनी पूंछ वाला हिस्सा जो होता है, मतलब उधर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाती है, ठीक है। तो अगर वो अपनी पूंछ वाला हिस्सा नहीं हिला रही है, इट मींस, और वो कर तो वही 8 की डायरेक्शन में रही है इस तरह से, है ना, तब वहां पर जितनी भी मधुमक्खियों का ध्यान आकर्षित किया होता है वो सभी मधुमक्खियां समझ जाती हैं कि यहाँ पर इसको खाना जो है वो कहीं आसपास ही मिल गया है, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत छोटे छोटे ये राउंड बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे इस तरह से, मतलब थोड़ा सा ही जाती है और एकदम तुरंत अपनी बॉडी को फिर बाईं ओर घुमा लेती है और फिर अपना दाईं ओर घुमा लेती है, तो बहुत छोटे छोटे से इस तरह से 8 के आकार में ये नृत्य करती है, ठीक है। तो इसीलिए उन साथियों को क्या पता चलता है, खाना बहुत पास में है, ठीक। और दूसरी खास बात क्या बताई थी अभी, कि ये इस तरह का नृत्य करते वक्त, मतलब आपके घूमर नृत्य करते वक्त अपने पूंछ वाले हिस्से को बिल्कुल भी हिलाती नहीं है, ठीक है। वहीं जब हम बात करें अपने सेकंड टाइप के नृत्य के बारे में, मतलब आपके कुछ दोलन विधि,
पुच्छ दोलन विधि में क्या होता है, क्लास समझिएगा। पुच्छ दोलन विधि जो है उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर किया था इस मधुमक्खी ने, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेगी। सबसे पहले वो आएगी और आने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर घुमाकर और फिर इस तरह से लेकर आती है, ठीक है। लेकिन जब वो इस तरह से चक्कर लगाती है तब उस दौरान वो अपने पूंछ वाले हिस्से को भी हिलाती रहती है इस तरह से, ठीक है। अपने जो एब्डोमिन वाला रीजन है उसको भी इस तरह से हिलाती रहती है और ये काफी आगे तक जाती है, उसके बाद फिर मुड़ती है और फिर अपने शरीर को बाईं ओर घुमाती है और फिर अपने एक ही पथ पर इस तरह से ये नृत्य करती है। तो दोनों में अंतर क्या है, आपके पुच्छ दोलन विधि में करते वक्त एक तो ये पूंछ वाले हिस्से को हिलाती है, ठीक है ना, अपने एब्डोमेन वाला हिस्सा जो है ना उसको हिलाते हुए इस तरह आठ बनाती है। और दूसरा अंतर ये होता है कि जब ये आठ का निर्माण पुच्छ दोलन विधि में करेगी तो उस वक्त ये घूमने से पहले थोड़ा लंबा चक्कर लगाती है, जबकि यहाँ पर क्या होता था, थोड़ा सा ही घूमती थी और फटाफट से खुद का शरीर को दोबारा बाईं ओर घुमा देती थी, है ना। तो यहाँ पर ये जो दूरी होती है, ठीक है, आठ बनाने की जो प्रक्रिया है वही समझाता है वो अपने साथियों को कि यहाँ पर खाना जो है वो पास में मिला है या फिर वो अपनी अगर बहुत दूर तक जाने के बाद वो इस तरह घूम कर आ रही है, इट मीन्स खाना उसको बहुत दूरी पर मिला है, ठीक है। तो ये उन दोनों में डिफरेंस है। कम्युनिकेशन का जरिया देखो हम लोगों में भी भाई, ठीक है, दिमाग, ठीक है। तो संप्रेषण जो है मधुमक्खियों में बहुत अलग प्रकार का होता है। तो ये दोनों प्रकार के नृत्य जो हैं ये मधुमक्खी किया करती है, ठीक है, समझ में आया। चलें आगे बात कर लेते हैं अब हम। जब हम बात करें क्लास अभी संप्रेषण की चल रही है बात, यहाँ पर अभी हमने बात की है कि वो किस तरह से बताएंगी कि खाना उनका जो भोज्य पदार्थ है, उनका जो गार्डन है वो यहीं मिला है क्या, ये तो मुझे तैयारी मिला, खैर हाँ भाई। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। तो अभी तो बताया था कि उनके जो गार्डन, हम भाई ये क्या कहाँ से लेते हैं नेक्टर या पॉलन ग्रेन, हमेशा किसी बगीचे से लेंगे जहाँ पर फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो एक तो क्या काम करती है वो, सपोज करना कि उन्हें गार्डन जो है, जो बगीचा है, ठीक है, वो वहाँ पर किसी फूल पर बैठेगी, नेक्टर वहां से चूसेगी, ठीक है, अपने और अपने हाइव में जैसी आती है तो अपने पंखों को इस तरह से फड़फड़ा देती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके उस हाइव में, उस छत्ते में, उस फूल की जिस पर वो बैठकर आई थी, ठीक है, उसकी महक उस पूरे छत्ते में घूम जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके साथिया क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, उसको सूंघते हैं और उनको भी पता चलता है कि ये किस उस फूल पर से बैठकर आई है, उसको किस प्रकार का स्वाद है या किस प्रकार की खुशबू है उस फूल में, ठीक है। तो एक तो ये इस तरह से काम करती है कि अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने पूरे शरीर पर जो पॉलन ग्रेन नेक्टर लेकर आती है उन सबको अच्छे से हाइव में सब तरफ फैलाती है उस चीज को। दूसरी चीज वो अब बताएगी कैसे कि उनके हाइव से उस बगीचे की दूरी कैसी है, भाई पहुंचाएगी कैसे। पहुंचाने के लिए हमेशा ये लोग क्या करते हैं, सूरज की किरणों को, सूरज की किरणों को ये एक कंपास की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये सूरज की किरणों से क्या बनाएंगे, ये हमेशा कंपास की तरह यूज करेंगे। अभी इन्होंने आठ की संरचना बनाई थी, आठ की बनाई थी दोनों ही नृत्य में। तो अब क्या करते हैं, ये सूरज की किरणों को और बगीचे के इन दोनों के बीच का एंगल नोट कर लेते हैं कि सूरज की किरणों से उनका और बगीचे का किस एंगल पर पड़ रही है, ठीक है ना। तो उस एंगल को जब वो ये एट बनाते हैं ना, तब उस दौरान उस एंगल का निर्माण करते हैं,
मतलब ये पूरा का पूरा अपने शरीर को तो घुमाते नहीं है, है ना। ये आठ का निर्माण करते वक्त सपोज करो वहां पर बनता होगा 40 का एंगल, ठीक है, तो उस 40 डिग्री के एंगल को छोड़ते हुए ये आगे बढ़ती है। ये एट का जो एंगल बनाएगी ना, सबसे पहले तो बनाएगी एक बार नॉर्मल एट, ठीक, उसके बाद दोबारा जब उस पथ पर लौट कर आएगी तब उस वक्त वो अपने उस 40 डिग्री एंगल को यहां पर शो करती है। मतलब पहली बार में तो उसने अच्छे से एट बनाया, बताया है कि दूरी है, अब वो कैसे बताएगी किस कोण पर है, वो कोण भी बनाना पड़ेगा, उसको एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल के लिए जब वो इस तरह से एक बार घूमी इस तरह, ठीक है, फिर जब वो दोबारा घूमेगी तब उसको अगर बनाना है 40 डिग्री का एंगल, तब वो यहां से 40 डिग्री का एंगल छोड़ते हुए तब फिर बनाएगी एट, ठीक है। और यही प्रक्रिया वो बार बार दोहराती है। तो उनका ये एकदम कंपास वाला तरीका होता है, एकदम परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट। ये उनमें एक्चुअली इननेट हुआ करती है प्रॉपर्टी। इननेट मतलब जन्मजात। जैसे हम लोगों में सबसे कम जन्मजात जो लक्षण होते हैं मानवों में पाए गए हैं। आप लोग जानते हैं मानवों में अगर हम जन्मजात लक्षणों की बात करें तो सिर्फ हंसना रोना यही आते हैं। बच्चे को कोई ना सिखाता कि भैया हंसना ऐसे है या रोना ऐसे है, वो अपने आप सीख कर आता है ये दो चीजें, तो है ना। तो इसी प्रकार हर जीव जंतु में उनकी कुछ ना कुछ इननेट प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, जन्मजात लक्षण हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये लक्षण इनमें होते हैं। जैसे टेलर बर्ड की हम बात करें तो टेलर बर्ड उसको अपने आप पता है इसको घोंसला किस तरह बनाना है। टेलर बर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अरे जो बहुत सुंदर घोंसला बनाते हैं इस तरह से लटका कर, बया बोलते हैं शायद, बहुत सुंदर टेलर बर्ड एक्चुअली, हाँ बया बोलते हैं ना, हाँ टेलर बर्ड बोलते हैं हम लोग तो, खैर इंग्लिश में टेलर बर्ड होती है वो, पता बहुत सुंदर अपने घोंसले का निर्माण करती है, उसको बकायदा स्टिच करती है वो। स्टिच मतलब सिलती है अपने घोंसले को तिनकों से। उनको कोई नहीं सिखाता है कि इस तरह स्टिच करना होता है। ये सब चीजें हर किसी जीव जंतु में कुछ ना कुछ जन्मजात हुआ करती हैं। तो यही चीज इनमें भी जन्मजात है, ठीक है। अब सपोज कीजिए उन्होंने बता दिया कि साहब एंगल जो है 40 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ पर अराइज होता है, वो कैसे पहुंचेंगे उनके संगी साथी। बता तो दिया अपने साथियों को कि 40 डिग्री के एंगल पर है बगीचा, अब वो पहुंचेंगे कैसे, निकले हैं चलिए। सपोज कीजिए यहाँ पे उनका हाइव था, वहां बगीचा है, ठीक है। सबसे पहले बेचारे अपने हाइव से निकले, ठीक है, उसी दिशा में सूरज की किरणों को कंपास मानते हुए, कंपास समझते हैं ना अपना डी, ठीक है, मानते हुए सोच के वो चल रहे हैं। अचानक बादल हो गए, सूरज तो गया, सूरज गया, सूरज की किरणें गई, और सूरज की किरणें नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे वो अब। तो यहाँ पर सपोज कीजिए सूरज की किरणें जैसे ही गायब होती हैं, ये यहाँ पर भटक जाते हैं। अब वो अपने सभी दिशाओं में गमन करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गलती से ही सही उस बादल में एक छोटा भी छेद हो गया और उसमें से सूरज की किरण नीचे आ गई, ठीक है, तो ये भटके हुए जितने भी साथी होते हैं ना, वो फिर से उसको कंपास की तरह यूज करते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक दिन पहले जब उनका एक साथी ने बगीचे के खोजा था, उस दौरान उन्होंने बगीचे उसमें आकर हाइव में आकर पंखों को झड़ाया था, तो उसकी खुशबू इनहेल की थी, खुशबू सूंघी थी ना, तो उस खुशबू को याद करते हुए, अपने कोण को याद करते हुए और सूरज की एंगल को वही बनाते हुए ये अपने उस दूरी को भी सोचेंगे कि पास में है या दूर है, ठीक है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए फिर उड़ान भरेंगे। अगर बादल में से एक छोटा भी छेद हो जाता है तब ये फिर से अपने उसी पथ पर आ जाएंगे और अपने बगीचे की तरफ गमन करने लगेंगे, ठीक है। और उनमें भी उनकी इतनी खासियत होती है मधुमक्खियों की कि ये अपने बगीचे में से उन फूलों को बहुत आसानी से खोज लेती है जिस पर वो पहली वाली मधुमक्खी बैठी थी, क्योंकि इनमें सूंघने की क्षमता बहुत शानदार होती है,
ठीक है, पहली वाली मधुमक्खी जो खोज कर लेकर आई थी उसने तो अगर अपने पंख झड़ाए थे उसमें आकर, हाइव में आकर, तो उनको ये सब चीजें हेल्प करती हैं थोड़ा सा भोजन ढूंढने में या पानी वानी का ढूंढने में, निर्माण करने में, ठीक है। ओके मैम, हाँ भाई समझ में आ रहा है ना सेकंड ईयर, ठीक है। तो ये बात हुई इनमें संप्रेषण क्या, ठीक है, कि कम्युनिकेशन किस तरह से होता है मधुमक्खियों के बीच में। अब हम बात करेंगे, ठीक है, यहां कंप्लीट होता है अब आपका मधुमक्खी। आप लोग जानते हैं मधुमक्खियों को जो छत्ता होता है उन्हें जनरली क्या किया जाता है, अगर हम बात करें मधुमक्खियों के बारे में, तो छत्ते में से शहद निकालते हैं, ठीक है। शहद किस तरह निकाला जाता है, देखो जब हम बात करें अगर शहद निकालने के बारे में, तो पहले के लोग क्या करते थे, एक चादर ओढ़ते थे, खुद को अच्छे से कवर करते थे और किसी भी छत्ते के नीचे जाते थे, आग लगाते थे, धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियां उड़ जाती थी वहां से, छत्ता तोड़ते थे, उसको अच्छे से कपड़े बांध के निचोड़ लेते थे, शहद आ जाता था, ये उनका पहला प्रोसीजर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती क्या कर जाते थे वो लोग, कि वो पहले यहाँ पर जब इस तरह निचोड़ते थे ना उसको, तो उसमें से अंडे, लार्वा, प्यूपा और कुछ श्रमिक, ठीक है, वो सब भी निचोड़ जाया करते थे, ठीक है। तो मतलब उनको जो शहद मिलता था बहुत ही अशुद्ध प्रकार का शहद मिलता था, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करते हैं, अब एक बहुत अलग तरीके की मशीनें आने लगी हैं। क्या करते हैं, ये तो हो गई आपकी नेचुरल विधि जो नॉर्मल बना लिए जाते हैं छत्ते। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब इन्हें आर्टिफिशियल तौर से अब हाइव बनाने लगे हैं। आर्टिफिशियल तौर पे हाइव बनाने का मतलब है मार्केट में बने बनाए छत्ते आते हैं, ठीक है। तो जो भी इसका बिजनेस करना चाहता है वो क्या करता है, किसी भी बगीचे के, जहाँ पर बगीचा हो बहुत अच्छे अच्छे फूलों का, उसमें या फिर उसके आसपास उस हाइव को रख देगा, ठीक है। मधुमक्खियाँ उस हाइव को देखेगी बने बनाए को, उसमें भाई सेल तो मौजूद होती हैं, कक्ष तो मौजूद होती हैं ये, ठीक है, इस टाइप की है, हेक्सागोनल शेप के कक्ष, ठीक है। अब उन्हें मेहनत नहीं करनी होती है, बस उसमें अपने आप ये चैम्बर्स होते हैं, वो आती हैं, पास ही में बगीचा है वहां से नेक्टर चूज वो करेंगी, सक करेंगी और इनमें भर देती हैं। इनको वैक्स ग्लैंड इनमें मौजूद होती है, तो वैक्स ग्लैंड की वजह से क्या करती हैं, इन पर कैप लगा देते हैं वैक्स ग्लैंड से, कि वैक्स ग्लैंड से वैक्स, वैक्स होता है ना मोम, है ना, मोम को स्त्रावित करती हैं अपने मुख से और उसको इस तरह से शेल पर बंद कर देते हैं, ठीक है। ये अपने नेचुरल वाले हाइव पर भी करती हैं ये प्रक्रिया। शेल तो बने होते हैं इस तरह के, क्या कहते हैं, कक्ष तो बने होंगे, लेकिन जो भी कक्ष भर जाता है उसके बाद वो अपने शरीर से एक प्रकार का मोम स्त्रावित करती हैं और जो भर जाता है कक्ष उसको अच्छे से सील कर देती हैं उस मोम से, जिसका उपयोग वो अपने उस टाइम पर करेंगी जब उन्हें भोजन बिल्कुल नहीं मिलेगा उस दौरान, ठीक है ना। तो इस तरह से करती हैं। अच्छा, इनमें खास बात और क्या होती है क्लास, सपोज करो उन्हें खाना नहीं मिल रहा है कभी, ठीक है, कि बहुत तो हो गया भाई, बहुत दिन होते जा रहे हैं खाना नहीं मिल रहा है, तो पहले से पहले क्या करती हैं, वो पहले तो ड्रोन को बाहर निकालती हैं, क्योंकि उनके छत्ते में सबसे बेकार प्राणी जो होता है वो ड्रोन होता है, तो पहले तो उसको बाहर फेंक देते हैं वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, उन श्रमिक को भी बाहर किया जाता है धीरे धीरे करके। अच्छा, सेकंड ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।